कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 21 अध्याय 21 प्रायिकता। दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, पहले पासे पर सम अथवा योग 8 प्राप्त करने की प्रायिकता को ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, दो घनाकार हमारे पास, यदि हम देखें दो घनाकार पासों को पासे तो उनको एक साथ उछलने के तरीके, पर कुल स्थितियां यानी कि ये मिलेगी हमको नंबर ऑफ एस बराबरी से 6 × 6 यानी कि कितने 36 स्थितियां मिलती है। माना E1 हमारे पास लिखा है पहले पासे पर सम संख्या, माना E1 बराबरी से पहले पासे पर सम संख्या आने की घटना, माना E1 बराबरी से पहले पासे पर सम संख्या आने की क्या है, घटना है। तो ऐसी कंडीशन में तथा E2 तथा E2 बराबरी से योग 8 प्राप्त करने की घटना, तो सबसे पहले हम E1 को देखें कि E1 बराबरी से क्या क्या संभव है। तो हमारे पास E1 बराबरी से जो स्थितियां बन रही है, देखें 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, उसके बाद पहले पासे पर सम अंक होगा 4, 4 1, 4 2, फिर होगा 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर पहले पासे पर सम अंक 6 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, फिर होगा 6 5 और 6 6। यदि हम इसके सारे पदों को काउंट करते हैं तो हमको नंबर ऑफ E1 में 2 1 से 2 6 तक 6, 4 1 से 4 6 तक गुना 6, 6 1 से 6 6 तक 6, तो 6 3 नंबर ऑफ E1 बराबरी से कितना 18 मिला। अब E2 को देखें, दोनों पासों पर अंकों का योग 8 प्राप्त करने की कुल घटना, तो कौन कौन सी होगी। पहला है 2 6, अब अंकों का योग 8 होना चाहिए चाहे पहले पासे पर सम आए चाहे विषम आए। 3 5, 4 4, 5 3, और आखिरी होगा 6 2। इस तरीके से
यदि हम नंबर ऑफ ई टू को देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ ई टू बराबरी से हमको कितने 1, 2, 3, 4 और ये 5 मिलते हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो ई वन में और ई टू में कुछ अवयव कॉमन होंगे हम जानते हैं, परंतु ई1 इंटरसेक्शन ई2, ई1 इंटरसेक्शन ई2 जो अवयव कॉमन है उनको हम लिख रहे हैं। तो पहला अवयव कॉमन है 4, 4, दूसरा अवयव जो कॉमन है वो है 6, 2 और तीसरा अवयव जो कॉमन है वो है 2, 6। कहने का मतलब है नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 में जितने अवयव कॉमन है उनकी संख्या है 3। अब P of E1 इसके आधार पर हम क्या निकालेंगे, P of E1 वो होगा नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ S मीन्स 18 बटे 36 P of E1 की। इसी प्रकार P of E2 निकालेंगे तो P of E2 बराबरी से नंबर ऑफ E2 बटे नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ E2 को ध्यान से देखें तो वो हमारे पास है 5, यानी कि 5 बटे 36। और अब P of E1 इंटरसेक्शन E2, P of E1 इंटरसेक्शन E2 को देखें तो होगी नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बटे नंबर ऑफ S। E1 इंटरसेक्शन E2 इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे पास होगी 3 बटे 36। अब हम लिखेंगे क्या, अब हम लिख सकते हैं हमारे पास जो दी है स्थिति, दो घनाकार पासे पर सम अथवा योग 8 प्राप्त करने की प्रायिकता। अतः पासे पर सम संख्या, पासे पर सम संख्या अथवा योग 8 प्राप्त करने की प्रायिकता। तो ध्यान से देखिए हम कुछ ऐसा लिखेंगे P of E1 यूनियन E2 बराबरी से P of E1 प्लस P of E2 माइनस P of E1 इंटरसेक्शन E2 P of E1 यूनियन E2 बराबरी से P of E1 को अभी अपन ने निकाला, ये हमारे पास है 18 बटे 36। धन P of E2 की वैल्यू हमारे पास है 5 बटे 36। P of E1 इंटरसेक्शन E2 की वैल्यू ये हमारे पास है 3 बटे 36। LCM तीनों का 36 आएगा। (18 + 5 = 3) 18 और 5 = 23, 23 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा 20। तो P of E1 यूनियन E2 बराबरी से 20 बटे 36। 20 और 36 दोनों में
चार का भाग चल जाएगा, चार पंचे 20 और चार नौ 36, 5/9। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कर धन्यवाद।